जी सर सर आज की आज जो हम बात कर रहे हैं मतलब करेंट सिनेरियो है जिस तरह से मतलब अक्सर जब भी मिलते थे बातें होती थी इंटरव्यूज करते थे बट अब जो करेंट सीनाली चल रहा है कोविड क्राइसिस पे है तो हाउ आर यू डीलिंग विद थिंग्स किस तरह से आप इसे टैकल कर रहे हैं घर पे है तो कैसे इस टाइप को देखिए आई थिंक इस वक्त हमें कुछ बातों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए नंबर वन अपनी सेहत बहुत बहुत न सिर्फ आपकी जिम्मेदारी आपकी तरफ है बट बल्कि आपकी जिम्मेदारी दूसरों की तरफ भी है सो so इसीलिए जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ओवर कॉशियस हम हमें होना है वो बहुत जरूरी है ताकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने सारी प्रिकॉशंस लिए हैं मैंने बहुत कुछ किया फिर भी मुझे ये कोविड क्यों हुआ तो अगर ये बात सच है कि उन्होंने प्रिकॉशंस लेने के बावजूद उनको कोविड हुआ है तो ये बहुत ही डरावनी है और इसलिए हमें और ओन हेल्थ इज वेल बींग प्रायोरिटी नंबर टू इज द वेल बींग ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और जहां तक मैं समझता हूँ कि जितनी मदद आप कर सकते हैं दूसरों के जो कुछ आपके Uh, जो कंट्रोल में है और जो आपके आपके पेरी में है जो आप कर सकते हो वो कीजिए क्योंकि ये वक्त है दूसरों के बारे में भी सोचना न सिर्फ अपने बारे में सोचना सो दैट इज प्रायरिटी नंबर टू प्रायरिटी नंबर थ्री मैं रखूंगा थोड़ा सा तैयार uh, हो जाइए क्योंकि ये जो एक uh, तरह से हम घर पे बैठे हुए हैं और वक्त हम कहते हैं कि हम वक्त जाया कर रहे हैं वक्त जाया ना करके हम आ, अगर इस वक्त को हम यूटिलाइज करें कुछ पॉजिटिव करें कुछ एक तरह से जो क्रिएटिव एटलीस्ट जो मैं अपनी अपनी बा, बात कर सकता हूं और हमारे फील्ड में जो है वो बात कर सकता हूं कि मैं बैठ के अपने स्क्रिप्ट्स में काम करूँ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर होमवर्क करूं और इस तरह से तैयार हो जाऊं कि जब ये सब कुछ होपफुली बहुत ही जल्द खुल जाएगा तब हम फिर से एक बैक टू स्क्वायर वन ना जाके हम सब कुछ रेडी रखें तैयार रखें सो प्रायोरिटी नंबर वन हेल्थ प्रायोरिटी नंबर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्रायोरिटी नंबर थ्री वर्किंग ऑन योर करियर एंड वर्किंग ऑन योर वर्क सो दैट वी डू नॉट वेस्ट दिस फ्रेश टाइम इट्स पहले जब फर्स्ट वेव आई थी लास्ट ईयर समय कुछ इसी तरह सिचुएशन थी

Uh, जब भी लिफ्ट को आप uh, प्रेस करें मैं नीचे जाता हूं और हमारे uh, बिल्डिंग के नीचे एक वॉश बेसिन है जहां पे मैं हाथ धोता हूं, फिर अगर मिल्क के पैकेट्स हो तो मिल्क के पैकेट्स को भी वहां धो लेता हूं, या सोप से धो लेता हूं, फिर ऊपर आता हूं, और अगर न्यूज़पेपर भी है तो उसके ऊपर मैं एक सैनिटाइजर uh, uh, स्प्रे जो है वो स्प्रे करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि, कि किसी भी हालत में किसी भी तरीके से ये जो वायरस है घर के अंदर नहीं घुसे और हाथ हमारे बॉडी पर भी नहीं अटैच हो सो so ये बहुत जरूरी है कि बाहर जब भी आप जाए आप लिफ्ट पर हाथ लगाते हैं आप चीजों को हाथ लगाते हैं, आ, प्लीज मेक इट अ पॉइंट नॉट टू टच योर फेस आप मास्क तो पहने हुए हैं मास्क के बाहर के हिस्से को भी आप हाथ मत लगाइए क्योंकि जो भी वहां पर सेटलमेंट है जो भी वहां पर वायरसेस हैं वो आपके हाथ में आ सकते हैं या फिर आप गलती से आप अपने नाक या कान या आंख को हाथ लगाते हैं तो बहुत अलर्टनेस जो कहते हैं ये एक, एक जैसे फौज अपने बॉर्डर के ऊपर फौज बहुत अलर्ट रहते हैं कि कुछ भी एक पत्ता भी हिल गया तो फौज एकदम अपने चौकन्ने हो जाते हैं पिस्तौल और गन लेकर तो उस तरीके का एक अलर्टनेस चाहिए और मैं उन लोगों पर बहुत तरस खाता हूं जो समझते हैं कि ये सब एक मजाक है ये सब जरूरी नहीं है हमें क्या होगा हमें कुछ नहीं होगा तो ये जो डेयर डेवलरी डेवलरी है और जो जरूरत से ज्यादा आप होशियार बनने की कोशिश करते हैं या बहादुर बनने की कोशिश करते हैं मत बनी है क्योंकि ये जो दुश्मन है ये जो एनिमी है ये एनिमी है अगर एनिमी सीन है अगर आप एनिमी को देख सकते हैं तो आप कुछ हीरोगिरी कर सकते हैं लेकिन जब अनसीन एनिमी होता है तो आप भी उतने ही एक तरीके से अंधे हो जितना वो है है लेकिन वो वो अनसीन अंधा नहीं है। वो अच्छी तरह से पता है उसको कि कैसे आपको आप पर अटैक करे जब आपको पता ही है कि इतनी सारे अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो रहे हैं इतनी सारे केसेस हो रहे हैं तो आप क्यों बेवकूफी करते हैं और क्यों बाइक के ऊपर तीन तीन लोग बैठ के जा रहे हैं चिल्लम चिल्ली करते जा रहे हैं स्पीड करते जा रहे हैं और मास्क के बगैर जा रहे हैं आप क्या साबित करना चाहते हैं आप कुछ भी नहीं साबित कर रहे हो आप किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त प्लीज इस बात को समझिए अपनी तरफ की जिम्मे अपनी फैमिली की तरफ एक जिम्मेदारी समझिए और इस तरीके का जो तरीके की बेवकूफियां हैं डेर है जो अन Uh, you know, for bravery, acts है. मत कीजिएगा क्योंकि अल्टीमेटली आपके ऊपर आप हावी नहीं होने वाले हो वो वायरस आपके ऊपर हावी होगा जिन हालात लोगों पर वाक्य में कभी कभी तरस आता है कि मतलब एक पढ़े लिखे अच्छी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और इसके बाद भी जो मास्क नहीं पहनते हैं रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट और सभी लोग इतने टैक्स गए हैं सिर्फ मास्क ना पहनने की वजह से लोगों ये समझ में नहीं आ रहा है, कि मास्क नहीं पहन रहा है। तो ever, uh, जैसे अभी रिसेंट आप शूट कर रहे हैं आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है कभी सेट पे या क्रू पे इस तरह के लोग मिलते हैं या कभी उनसे ऐसे कोई वाक्य कभी ऐसा कोई छुआ जहां तक मेरा सवाल है सेट पे हम तो ये चीजें अवॉइड करते ही हैं और अलाउ नहीं करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी वेरीप्ल अगर किसी को ये डिसिप्लिन तोड़ना है तो वो सेट छोड़ के जाए और हम हमारा साथ जो है वो छोड़ के जाए और हमारे साथ नहीं रहे लेकिन जो ऑटो रिक्शा वाले हैं या जो बाइक राइडर्स हैं रोड पे या जो कुछ लोग चल रहे हैं तो या तो मैं उनको बहुत घूर के देखता हूं अगर वो मास्क नहीं पहना हो तो या तो मैं उनको वार्निंग देता हूं और उनसे कहता हूं कि प्लीज मास्क पहनिए, प्लीज आप आप ये मत समझिए कि आपको कुछ नहीं होगा तो दूसरों को कुछ नहीं होगा आपकी वजह से दूसरे अफेक्ट हो सकते हैं तो प्लीज ये मत कीजिए और जहां तक पुलिस वालों का सवाल है मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि दो दिन पहले संडे को मैं बाहर गया था ये लॉकडाउन का हाल देखने के लिए और तीन चार जगहों पर जब uh, मेरी मुलाकात uh, पुलिस वालों से हुई तो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस विद द काइंड उन्होंने देखिए बगैर पोलिटिकल कनेक्शन या बगैर कोई सोशल uh, ये uh, जो बोलते हैं प्रेशर्स, uh, वो अपना काम कर रहे हैं चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो और uh, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो मुझसे uh, कहने लगे कि क्या करें साहब लोग सुनते नहीं हैं और वो वो हेल्पलेस हो जाते हैं अल्टीमेटली वो भी ह्यूमन ही हैं वो टफ हैं वो पावरफुल हैं उनके हाथ में कानून है लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन ही हैं ना वो तो आप उनको क्यों इतना उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो वाई आर यू पुशिंग अगेंस्ट द वॉल वाई आर यू मेकिंग इट सो डिफिकल्ट जैसे डॉक्टर्स का है हेल्थ वर्कर्स का है आप उनके लिए जिंदगी एकदम तकलीफ दे बना रहे हो क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखते अगर आप कोविड नेगेटिव होते तो आप उनके ऊपर इतने प्रेशर नहीं डालते तो जिन जिन लोगों को वाकई बेड चाहिए वाकई ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए उनको मिल जाता है लेकिन यहाँ अनिली एक ओवरलोडिंग हो रहा है द ओवर प्रेशर द ओवरलोडिंग जो है और जब लोड ज्यादा हो जाता है तो एवरीथिंग क्रैशेस आपके पावर भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जब ओवरलोड होता है समर्स में जब इतने सारे एयर कंडीशनर्स चलते हैं तो आपका पावर क्रैश होता है ना देर इज अ पावर आउटेज देर इज अ पावर ब्रेक तो इसको वही समझिए कि ये सब हमारे पावर पॉइंट्स हैं और इन पावर पॉइंट्स को अगर आप ओवरलोड करोगे दे ब्रेक डाउन एंड देन हम अंधेरे में रहेंगे हमारे पास कुछ भी साधन नहीं होगा हमारी मदद करने के लिए दूसरों की मदद करने के लिए प्लीज 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 बी वेरी वेरी केयरफुल जरा सा सोचिए प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल

के साथ जो मैंने फिल्म बनाई हो, रिलीज होने की क्योंकि उस फिल्म को सुजीत सेन ने लिखा है सुजीत सेन जिन्होंने सारांश अर्थ और हमेरा ही प्यार के और दिल, दिल विल प्यार व्यार भी लिखा था उन्होंने सो इट्स अट्स फुल ऑफ होप इट्स अ फिल्म विद ऑफ अपलिफ्ट अपलिफ्टिंग स्पिरिट्स सो बस हम पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं कि थिएट्रिकल रिलीज हो लेकिन चूंकि थिएट्रिकल रिलीज इतने रिस्की हो गए हैं और uh, सब कुछ एक तरीके से एक स्टैंड uh, स्टिल हो गया है सो वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू रिलीज इट बोथ इन सिनेमाज एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म इट्स अ ब्यूटिफुल क्यूट फैमिली फिल्म एंड may i say may i add that it is Jackie dada's best performance to date so lastly to all the fans viewers well viewers uh, फैंस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच जब मैं बाहर निकलता हूँ और जब आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है और मैं प्यार देखता हूँ तो मैं बिल्कुल एक तरीके से ओवरवेलम्ड हो जाता हूँ क्योंकि मैं उस तरीके का कोई स्टार नहीं हूँ जिस तरीके के कुछ बड़े नाम होते हैं मैंने बहुत सिलेक्टेड काम किया है और इसके बावजूद जब इतना प्यार आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ मैंने सही किया ही होगा कहीं इसीलिए आप लोगों ने मुझे चुना और मुझे इतना प्यार दिया मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आई माई बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू हम uh, एक तरीके से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग टाइम्स में uh, जी रहे हैं uh, हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा हमने कभी सोचा ही नहीं था और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आप सब बहुत ही खुशल रहे और हेल्दी रहे बहुत इंपॉर्टेंट हेल्दी रहे माइंड एंड बॉडी एंड प्लीज लुक आफ्टर टू योर एंड हमें मौका दें कि ये जो दौर ये गुजर जाएगा इसके बाद हम आपको और भी एंटरटेन करें और भी इंटरेस्टिंग फीचर फिल्म्स आपके सामने ले आए और हम एक तरीके से एक स्टेप आगे बढ़े और आपको आपका जो प्यार है लेट मी जस्टिफाई दैट लव एंड दैट सो थैंक यू वेरी मच कीप ऑन लविंग मी एंड अल्दी लाइफ एंड अस्ड लाइफ थैंक यू सो मच सर फॉर टाइम थैंक यू आशुतोष थैंक यू सो मच